खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में और मैं हूं आपके साथ विनीता। लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद आत्मविश्लेषण के दौर से गुजर रही कांग्रेस अब पार्टी के भीतर हो रही सियासत से भी जूझ रही है। ऐसे समय में जब दिल्ली में पार्टी आलाकमान हार के कारणों पर मंथन कर रहा है, तब राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के इस्तीफे की खबरों ने राजस्थान की सियासत को गर्मा दिया है। हालांकि लालचंद कटारिया के इस्तीफे की खबर पर अभी तक राजभवन और सीएम स्तर से पुष्टि नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद देश भर में कांग्रेस के नेताओं में हलचल मची हुई है, जहां उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी की हार के बाद में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस नेताओं के सीधे देने की सिलसिला जारी है। वहीं राजस्थान की राजनीति में भी एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की खबरों ने सियासत गर्मा दी है। चुनाव में हार के बाद राज्य सरकार में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री और राजभवन ने इस्तीफे दिए जाने की पुष्टि नहीं की है। इस्तीफा दिए जाने की खबरों के बाद से लालचंद कटारिया का मोबाइल भी बंद आ रहा है। सोशल मीडिया में लालचंद कटारिया जो इस्तीफा का वायरल हो रहा है, उसमें लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, उनके क्षेत्र में भी कांग्रेस की हार हुई है, इसलिए नैतिकता के आधार पर वे इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन केवल कटारिया ही गहलोत से नाराज नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि रमेश मीणा और उदयलाल आंजना ने भी संगठन और सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। आंजना ने जोधपुर सीट को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि यदि वैभव गहलोत जोधपुर की जगह जालौर से चुनाव लड़ते तो बड़ी जीत जाते। 2014 में भी मैंने पार्टी को कहा था कि वैभव गहलोत को जालौर से चुनाव लड़ना चाहिए। इस बार भी मैंने पार्टी को राय दी थी, इसलिए टिकट वितरण को लेकर इस बार चूक जरूर हुई है। इसके साथ साथ आंजना ने हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि यदि बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस को जाट वोट साधने में कामयाब रहती और कांग्रेस की इतनी बड़ी हार नहीं होती। आंजना ने खुद की इस्तीफे की पेशकश तो नहीं की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मंत्री पद मिला है, मैं इस्तीफा क्यों दूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हार हुई है तो चिंतन का विषय है। राजस्थान में पार्टी नेतृत्व और सरकार के नेतृत्व पर राहुल गांधी विचार करें। इसके अलावा खाद्य मंत्री भी हार का टीकरा प्रदेश के हाईकमान पर ही फोड़ रहे हैं। कटारिया ने लिखा कि इस क्षेत्र में जनता ने उन्हें विधानसभा में चुनकर भेजा है, क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाते रहेंगे, उनके समाधान की दिशा में प्रयास करते रहेंगे। इस्तीफे के लिए कोई राजनीतिक कारण नहीं है, इस्तीफे में राजेंद्र कटारिया ने हस्ताक्षर हैं। दरअसल लालचंद कटारिया के विधानसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पुनिया को 1,00,000 से ज्यादा वोट से हार का सामना करना पड़ा था। कटारिया पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कृष्णा पुनिया के लिए न चुनाव प्रचार किया और न ही अपने कार्यकर्ताओं को कृष्णा पुनिया के चुनाव प्रचार के लिए भेजा। कटारिया के पास जोधपुर लोकसभा सीट का भी प्रभार था, लेकिन वहां भी वैभव गहलोत की करारी हार हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी लालचंद कटारिया के इस तरह के इस्तीफे देने की बात पर जानकारी होने से इनकार किया है। दरअसल लालचंद कटारिया के इस तरह से इस्तीफा देने की प्रक्रिया को जानकर लोग दबाव की पॉलिटिक्स बता रहे हैं। दरअसल राजस्थान में जितने भी मंत्री चुनाव प्रचार में सक्रिय थे, उनमें सबसे करारी हार लालचंद कटारिया के जिम्मे आई है। लिहाजा हो सकता है कि वे अपनी पार्टी आलाकमान और सरकार डिफेंस मोड में लाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं। उधर बसपा के 6 विधायक भी सक्रिय हो गए हैं। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।